चुनाव आयोग के आदेश के बाद जनता दल यूनाइटेड अब अपने चिन्ह तीर का इस्तेमाल झारखंड और महाराष्ट्र में नहीं कर पाएगी। दरअसल जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग से इसे लेकर शिकायत की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आयोग से आग्रह करते हुए कहा था कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को तीर के चिन्ह के साथ झारखंड में कोई भी चुनाव लड़ने की इजाजत न दी जाए, क्योंकि इससे मतदाताओं के मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह थोड़े मिलते जुलते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में अब आरक्षित प्रतीक तीर के निशान के साथ जनता दल यूनाइटेड मैदान में नहीं उतरेगी। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह तीर का निशान है, जबकि जेएमएम का धनुष है। जेएमएम ने चुनाव आयोग से जनता दल यूनाइटेड का चिन्ह फ्रीज करने की मांग की थी। जेएमएम ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत भी किया है। नीतीश की पार्टी ने झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।